चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर 3 को एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक एंड मेंशन डेट एंड डे देन हेडिंग 3.1 सॉल्व दिस। अच्छा आप देखेंगे ये क्या कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। हम मल्टीप्लिकेशन हमारे चैप्टर का नाम है, तो मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई है हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो हम उसी को करेंगे। किस तरह से करने से थोड़ा कुछ चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। सबसे पहला हमें इस 6 को 1 टू 5 से करना, तो 1 टू 5 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले हम 4 6 लिख देंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय 125, क्या है ये 125, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, 20 देन 5, ये हमने लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब आपको फर्स्ट क्या करना है, 286 को एक बार तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 286 को 20 से करना है, फिर 286 को 5 से करना है, 1 बाय 1 सभी डिजिट से इसको करना है, यानी जो भी अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ना उन सभी डिजिट से हमें करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 286 मल्टीप्लाई बाय 100 देन प्लस, फिर 286 मल्टीप्लाई बाय 20 दोबारा से हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। अब 286 को किससे करेंगे 5 से, इस तरह से हमने किया। ठीक है, अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है जो कि अब रफ में करेंगे, ये हमारा सिस्टम से चलेगा। फर्स्ट सिस्टम 286 मल्टीप्लाई बाय इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, सेकंड सिस्टम इनको हमें ऐसे अरेंज करना, 286 को 100 से मल्टीप्लाई, 286 को 20 से मल्टीप्लाई, 286 को 5 से मल्टीप्लाई, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करें। आपको जो इसको मल्टीप्लाई करके देखना है पूरा वर्क में देखना है। जैसे आप 286 को किससे करेंगे 100 से, तो अगर हम 286 को 1 से करते हैं 286 बन जा 286 बचा क्या हमारा 00, तो हम यहाँ पे 00 ये हमारा आंसर हो गया। फिर प्लस अब हमें किससे करना है 286 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 लिख देते तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या हम रफ 286 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, सॉरी 20 से ना, अगर यहाँ करेंगे 0 0 0 अब 2 6 जा 12 के जी लगा 1 8 2 जा है ना 2 8 जा 16 और 1 17 के जी लगा 1 फिर क्या करेंगे 2 जा 4 4 और 1 कितना होता है 5 हमारा आंसर क्या 0 2 7 5 क्या आंसर आया हमारा 5720 है ना 5720 अब हम यहाँ लिखेंगे। ये आपको रफ में या तो कॉपी के बैक पेज में करना है या फिर आप साइड में लाइन लगा के कर सकते हैं। ये 5720 सेम वे 286 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 286 मल्टीप्लाई बाय 5 5 6 जा 30 के लिएगा 3 5 8 जा क्या होता है 5 8 जा 40 40 में 3 प्लस किया 43 के लिएगा 4 5 8 जा 10 10 और 4 14 1430 हमारा आंसर क्या आया 1430। अब आपको ये सब साइन लिखने कौन सा साइन है प्लस के, इन थ्री डिजिट जो हमारी आई है उनको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 28600 ठीक है, फिर करेंगे कैसे अरेंज करते पता ना बैक से 0 2 7 5 0 3 4 1 प्लस करेंगे 0 यहाँ पे क्या 0 2 5 6 और 7 कितना होगा 13 13 में 4 प्लस किया तो 17 कह देगा 1 8 और 1 9 9 और 5 14 14 और 1 15 कह देगा 1 ये 3 क्या आया हमारा आंसर 35750 तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे 35750 हमारा आंसर क्या आया 35750। अब आपको जो ये करना है
जीरो जीरो है, है ना। अब हम क्या करेंगे, 9 × 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ गलती करके देखेंगे, जीरो वाले डिजिट को। हम अब 605 को 605 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही, सबसे पहले 605 को लिख दिया ये वाले को। अब हमें इसको एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखना है। 6 की प्लेस 100, ये 600 है ना। देन 0, 0 की प्लेस 0, देन 5 5, ओके। 605 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 से, प्लस फिर 605 को 0 से करेंगे, प्लस देन हम 605 को 5 से करेंगे। ये तरीका है ना, इसके वजह से है कि आपकी 605 को हम 6 से कर लेंगे, ताकि जो फिर हम जो हमेशा करते शॉर्टकट स्टेप्स हो जाएगा। 605 6 5 30 कह दिया, 3 किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता, तो यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, 6 6 30 6, ये हमारा आ गया 6 3 3 6 3। अब हमारा ये दो जीरो से बाकी हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 3 6 3 1 2 3 3, और हमारा प्लस का साइन, फाइव फाइव 25